नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एआर फैंटास्टिक नॉलेज पर स्वागत है। दोस्तों, आज मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि भारत के जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया है और इतिहास रचते हुए ओलंपिक खेलों में भारत को ट्रैक एंड फील्ड में पहली बार कोई पदक अपने नाम किया है और भारत ने गोल्ड मेडल में अपना खाता खोला है। नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर भाला फेंककर यह उपलब्धि अपने नाम की है। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड जीतने वाले वह दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। निशानेबाज अभिनव बिंद्रा के बाद नीरज चोपड़ा ने अपना नाम यहां दर्ज किया है। अभिनव बिंद्रा ने साल 2008 बीजिंग ओलंपिक में पहली बार व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड अपने नाम किया था। नीरज चोपड़ा ने आज शुरू हुए जैवलिन थ्रो के फाइनल मुकाबले में अपने पहले दो प्रयास में सबसे शानदार भाला फेंका था। उन्होंने आज सबसे पहला थ्रो 87.03 मीटर का फेंका था जो सबसे आगे था। उसके बाद उन्होंने अपने दूसरे थ्रो में 87.58 मीटर का थ्रो फेंका। इन दोनों प्रयासों की दूरी को नीरज के अलावा कोई भी एथलीट छू नहीं पाया है। तो दोस्तों, आज बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि हमारे भारत देश को पहला गोल्ड मेडल मिला है और हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से नीरज चोपड़ा को 6 करोड़ रुपए और एक सरकारी नौकरी ए ग्रुप की दी जाएगी। तो दोस्तों, यह इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी चैट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी अच्छी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।